हमीरपुर जिले के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में दो दोस्तों की गई जान। बताते चलें, हमीरपुर से होकर गुजरने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर दो बाइक सवार युवक हादसे का शिकार हो गए। उन्हें हाईवे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत दोनों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसा हमीरपुर महोबा की सीमा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर खन्ना के पास हुआ। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के सिंगरौली के रहने वाले ऋषिकेश सिंह व अमित द्विवेदी एक बाइक पर सवार होकर, साथ ही दोनों बाइकों पर उनके दोस्त विकास राघवेंद्र, जितेंद्र और सैफ मंसूरी यात्रा कर घर वापस जा रहे थे। ऋषिकेश की 9 फरवरी को शादी थी, जिस पर वह वापस लौटते हुए दिल्ली से अपने पिता के लिए शॉपिंग कर अपने घर सिंगरौली मध्य प्रदेश लौट रहे थे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर खन्ना व बांदा के बीच आगे चल रहे ऋषिकेश व अमित द्विवेदी की बाइक में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए। ऋषिकेश व अमित को उनके साथी हाईवे एम्बुलेंस की मदद से मौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुँचे, जहाँ चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। ये एक्सीडेंट हो गया, कैसे हो गया अंकल? एक गाड़ी थी, उसमें इंजन में आवाज़ आ रहा था, तो वो बोला कि धीरे धीरे चलने को, तो दो गाड़ी, तीन गाड़ी थी टोटल, हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे। ये थोड़ा सा आगे गया, फिर 15 मिनट तक नहीं दिखा। 15 मिनट बाद देखे तो गाड़ी पड़ी हुई थी और इन लोग की बॉडी से आगे 150 मीटर आगे बॉडी पड़ी हुई थी। और हेलमेट इन लोग दोनों लोग पहनता है, एक का हेलमेट गायब है, एक हेलमेट वहीं टूटा हुआ पड़ा हुआ था, और उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं देख पाए। हम लोग आए, उठाए, फ़ोन किए इसको। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? हम लोग आ रहे थे अंकल दिल्ली से। कहाँ जाना था? हम लोग को जाना था पूर्वा। हाँ, पूर्वा। तीन गाड़ियों में थे? हाँ जी अंकल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।